नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हमने पिछले वाले लेक्चर में जे जे कपलिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द टर्म्स अराइजिंग फ्रॉम 2s1 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन जे जे कपलिंग। ठीक है, एक हमको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दे रखा है आउटर मोस्ट सबसेल का। ओके, और उसके लिए हमको क्या करना है, जे जे कपलिंग लगानी है उसमें, जे जे स्कीम लगानी है, और बताना है कि जो जे जे कपलिंग के बाद जो टर्म निकल के आएंगे वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, देखिए करते हैं। नाउ दिया क्या है हमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किसका, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का क्या है मेरे पास, यहाँ पर 2s1 3d1 है। अब ये 2s1 है यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यानी कैसा इलेक्ट्रॉन होगा, ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये क्या है, s है, और मैंने अज्यूम कर लिया कि जो यहाँ या s पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, s1 है, और वो कितना होगा मेरे पास, 1/2 होगा। सिमिलरली मैंने इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या अज्यूम कर ली, s2 अज्यूम कर ली, और वो भी कितना होगा मेरे पास, 1/2 होगा। नाउ इसके लिए जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा इस इलेक्ट्रॉन के जो कहाँ है, s पर है, वो कितना होगा, 0 होगा। और इस डी वाले के लिए जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा वो कितना होगा, L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी के लिए कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले जे जे कपलिंग में क्या होता है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक और सॉरी सबसे पहले जे जे कपलिंग में क्या होता है, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन होता है, यानी यहाँ पर इसका स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कपल होगा, और यहाँ पर इसका स्पिन और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कपल होगा। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि इसका, जैसे हम यहाँ पर इन दोनों के क्या करेंगे, स्पिन और ऑर्बिटल मोमेंटम को कपल करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक नया क्वांटम नंबर क्या देखने को मिलेगा, J1 देखने को मिलेगा, और यहाँ एक नया क्वांटम नंबर J2 देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में जे जे कपलिंग में डिस्कस किया था। और जो ये J1 की वैल्यू हो कहाँ से कहाँ लाई करती है, L1 प्लस माइनस S1 होती है। सिमिलरली जो J2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, L2 प्लस माइनस S2 होती है। नाउ यहाँ पर L1 और S1 और L2 और S2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, J1 निकल जाएगा और J2 भी निकल जाएगा। तो J1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 प्लस माइनस 1/2 आ जाएगी, और यहां से मेरे पास J2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास 2 प्लस माइनस 1/2 आ जाएगी। ठीक है, नाउ यहां पर J1 की कितनी वैल्यू आई, दो वैल्यू आई, एक कितनी आई, सॉरी एक कितनी आई, प्लस का 1/2, और दूसरी कितनी आएगी, माइनस का 1/2। लेकिन जो J1 है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी ये वाली वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसकी सिर्फ कितनी वैल्यू हुई, एक वैल्यू हुई, कौन सी हुई मेरे पास, 1/2 हुई। ठीक है, सॉरी ना, अगर हाँ J2 की बात करें तो J2 में कितना हो जाएगा, देखो पहले यहाँ नेगेटिव करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना आ गया, यहाँ पर 3/2 आ गया। अब यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। यानी J2 की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, 3/2 और 5/2, और J1 की कितनी वैल्यू आई, सिर्फ एक वैल्यू आई, और वो क्या है मेरे पास, 1/2 है। नाउ अब यहाँ पर कितने टाइप से यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो सकता है, J1 और J2 के बीच में 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक 2 3/2, और दूसरा 1/2 और 5/2। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, 1/2, 3/2, और अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा मेरे पास, 1/2, 5/2 होगा। ठीक है, नाउ अब इन कॉम्बिनेशन के लिए क्या निकाल दूंगा मैं, जे निकाल दूंगा, क्वांटम नंबर जे, कैपिटल जे निकाल दूंगा। और हम जानते हैं क्वांटम नंबर कैपिटल जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर कहाँ से कहाँ होता है, ये J1 माइनस J2 से J1 प्लस J2 के बीच में होता है, J1 माइनस J2 से J1 प्लस J2 के बीच में होता है। तो यहाँ से पहला केस क्या है मेरे पास, 1/2 और 3/2 है, 1/2, 3/2 है। तो इसके लिए मेरे पास जे कहाँ से कहाँ आ जाएगा मेरे पास, बताइए, 1/2 माइनस 3/2 टू 1/2 प्लस 3/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस 3/2, और हाँ जे इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 माइनस 3/2 कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया, एंड ये माइनस 1 आएगा तो मैग्नीट्यूड के बाहर कितना आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और 2 कहाँ से कहाँ तक कितना आ गया, 2 तक, यानी जे की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, 1, 2 आ गई। और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है मेरे पास, 1/2 और 5/2 का है, और 1/2, 5/2, यानी J1 की वैल्यू 1/2 है और J2 की वैल्यू 5/2 है। तो यहाँ से क्वांटम नंबर कैपिटल जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, बताओ, 1/2 माइनस का 5/2 टू 1/2 प्लस का 5/2 आ गया। तो यहाँ से J इज इक्वल टू 1/2 माइनस का
फाइव बाई टू कितना हो गया मेरे पास बताइए, टू हो गया, एंड टू ये कहाँ तक आ गया हमारे पास, थ्री आ गया। तो यहाँ पर जे की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, टू कॉमा थ्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे पास जे की यहाँ पर कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू, यहाँ पर भी कितनी जे की कितनी वैल्यू आई, दो वैल्यू आई, किन के लिए, इन दो कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है ना। अब हम जो ये क्या है जे जे कपलिंग है, इसमें टर्म को कैसे लिखते हैं, टर्म को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है मेरे पास, कौन कौन से, वन बाई टू कॉमा थ्री बाई टू, और इसके लिए जो जे की वैल्यू है वो क्या है, 1.2 है, तो इसके यहाँ पर बेस में क्या लिख देंगे, 1.2 लिख देंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या करने के बाद आ रखा है, जे जे स्कीम करने के बाद आ रखा है, या फिर जे जे कपलिंग करने के बाद आ रखा है। तो एक टर्म तो ये हो गया, और जो दूसरा टर्म आएगा वो कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन क्या है मेरे पास, 1/2, 5/2 है, और इसके लिए जो जे की जो वैल्यू निकल के आ रखी है वो क्या निकल के आ रखी है मेरे पास, 2.3 निकल के आ रही है, कितनी निकल के आ रखी है, 2.3। तो ये क्या हो गया मेरे पास, सेकेंड टर्म हो गया। तो मुझे यहाँ पर दो टर्म देखने को मिलेंगे, एक टर्म तो क्या होगा 1/2, 3/2 उसके बेस में 1.2, और दूसरा टर्म क्या होगा 1/2, 5/2 उसके बेस में 2.3। तो यहाँ पर जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन में जे जे कपलिंग लगाएंगे तो यहाँ पर मुझे टोटल दो टर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक्चुअली दो टर्म नहीं है, फोर टर्म होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1.2 है और यहाँ क्या है, 2.3 है, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे इस केस के लिए, या फिर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जे जे कपलिंग डिफाइन कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू, धन्यवाद।